येलो प्लस ऑरेंज डक के लिए बढ़िया शेड है। इसे शेप दें। ये डक बहुत प्यारी है। इन येलो फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग करने में बहुत मजा आएगा। हनी, ये नहाने का टाइम है, तुम पूरी तरह साफ हो जाओगी। पानी गर्म है जैसे तुम्हें पसंद है। वा, वा, वा। क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए बाथ फोम लाती हूँ। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बादलों में तैर रही हो, लेकिन उसे वो अच्छा नहीं लगा। ओह, तुम बहुत जिद्दी हो। अब मैं क्या करूँ? आहा, मुझे याद है, मेरे पास डक्स थी। रुको, तुम दोस्त बनने वाले हो। अब हर जगह डक्स हैं, बेबी के सर पर भी। खैर, क्या तुम नहा चुके हो? अब बाहर आने का टाइम है। अब लड़की को नहाना अच्छा लग रहा है। हमारे पास टैकिंग टॉवर है, इसमें बहुत सारी रिंग्स हैं। व्हाइट पेंट करें, फिर इसके ऊपर येलो पेंट करें। डक का सर बनाएं। हीही, कितनी फनी बीक है। डेकोरेटिव आईज पर सुंदर आईलैशेस लगाएं। सारे बच्चे इस डक को तैरते हुए देखेंगे। बच्चे प्लेग्राउंड में मजे कर रहे थे, लेकिन धूप बहुत तेज हो गई। हेलो दोस्तों, क्या तुमने मुझे मिस किया? वाओ, बेट्सी कितना सुंदर फ्लोट है। मुझे डक्स पसंद है, कितनी प्यारी है। मेरे पूल में आ जाओ। लड़कियों ने साथ में बहुत मजे किए। डक फ्लोट की वजह से सबका मूड अच्छा हो गया। स्नैप, शीट पर डक की पिक्चर आ गई। फोटो बैकग्राउंड के लिए इलस्ट्रेशन काटें। सपोर्ट के लिए चॉपस्टिक्स लगाएं। सिंथेटिक स्टफिंग लगाकर डक को फ्लफी फोम से कवर करें। कार्डबोर्ड स्पाइल काटें। ये रहा दूसरा टेबल। सपोर्ट्स पर मेहमानों के लिए स्नैक्स रखें। बर्थडे गर्ल 6 साल की हो रही है। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। लड़कियों ने बेट्सी के लिए सरप्राइज तैयार करने का सोचा है। आम कमरा डक के थीम वाले पार्टी हॉल में बदल गया। सबने टूल्स ले लिए। खैर, वो गाने के साथ बर्थडे गर्ल का स्वागत करने के लिए तैयार है। स्वीट्स तैयार है, सब लोग यहाँ है। लाइट बंद करो। यहाँ क्या हो रहा है? सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ, शुक्रिया मेरी डकीज। ये गिफ्ट खोलने का समय है। मेरी डक कलेक्शन में एक और चीज आ गई, मुझे ये पसंद आया। हाँ, मेरी विश पूरी होने वाली है। सालों बीत गए, बेट्सी अब बड़ी हो गई है। लड़की के लिए नया आउटफिट बनाएं। स्कर्ट को रूशिंग से पूरा करें। कितनी प्यारी लग रही है। रेड कॉर्ड काटे। चेस्ट पर फैंसी बो लगाएं। लेसिंग लगाएं। हेयर स्टाइलिस्ट तुम्हारे लिए काम है। मुझे अपना नया लुक अच्छा लग रहा है। हीही, मैं इसमें डांस कर सकती हूँ और कोई रोक भी नहीं पाएगा। बेबी बड़ी हो गई है और डक्स के लिए उसका प्यार और बढ़ गया है। मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। ये रिहर्सल पर जाने का समय है। बाय। मुझे अपने अच्छे स्टूडेंट्स को देखकर खुशी है। हेलो, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मिस वॉटकिंस, बार्स पर चलो, स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं। म्यूजिक शुरू करो और 1, 2, 3 वार्म अप शुरू करो। बेट्सी बहुत मेहनती स्टूडेंट है, वो सारी एक्सरसाइजेस कर रही है। और अब पूरा डांस। वाओ, तुम अच्छा कर रही हो, शानदार। हाई फाइव, तुमने बढ़िया काम किया है। याद के तौर पर ये रख लो। गिफ्ट और ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया। मिस वॉटकिंस दुनिया की सबसे अच्छी कोरियोग्राफर है। लालिलू पॉम्पॉम्स को पकड़ रही है, हमें तुम्हारी जरूरत है। येलो पॉम्पॉम से सर बनाएं। लाइट क्ले से बीक बनाएं। ब्लशी चीक्स लगाएं। हमें इस फैब्रिक की जरूरत है।
कुछ टुकड़े बनाए। हमें इस बॉडी को सिंथेटिक स्टफिंग से भरना है। कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेम को मोड़े, ग्लासेस पहनाए, पाइप क्लीनर से हेडबैंड बनाए। डक लाला फैन फैन ने आरामदायक कलरफुल स्वेटर पहनी हुई है। कॉलर को कॉर्ड से सजाएं। फेल्ट बैग बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड ने बेट्सी के पास जाने का सोचा। हेलो, तुम समय पर आई हो। हेलो, अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें यकीन नहीं होगा मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। खोलो। ओह, ये नया ट्रेंडी डक लाला फैन फैन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये कितना प्यारा है। शुक्रिया। चलो साथ में लालीलू देखे। कुछ मिसिंग है। सही कहा, पिज्जा। चलो ऑर्डर करें। कुरियर से पिज्जा जल्दी आ गया। लाला फैन फैन इसमें अच्छी तरह फिट हो रही है। हेलो, क्या मैंने आपको हैरान कर दिया? ये मैं हूँ एल्सा और मेरी प्यारी डक्स। यहाँ आओ बेबी, चलो अपने नाक टच करें। उप्स, मैंने थोड़ा इसे जमा दिया। माफ करना बेबी, ये मेरा जादू है। चिंता मत करो, लालीलू डक का ध्यान रखेगी। फालतू चीजें हटाएं। अब आई लैशेस से नई आईज बनाएं। बीक पर रेड लिपस्टिक लगाएं। ट्यूल ड्रेस पर ब्लू एक्रेलिक पेंट करें। कितनी सुंदर डक है। ब्रेड बनाए। वाओ, ट्रेन पर बहुत सारी ग्लिटर है। ये बिल्कुल एल्सा की तरह दिख रही है। छूने से डक में पावर्स आ गई। ओह, कितनी प्यारी है। हम बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल बहनों की तरह। आज का दिन थका देने वाला था, लेकिन ये आराम करने का टाइम है। कल मिलेंगे। हेलो बेट्सी। एल्सा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं लंबे समय से तुमसे मिलना चाहती थी। मुझे अपने जादू के बारे में बताओ, मैं तुम्हें कुछ मैजिक ट्रिक्स भी दिखा सकती हूँ। वाह, तुम ऐसे कैसे कर रही हो? ओह, सुबह हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सपना था। मेरे पास एक आइडिया है। डकी, तुम्हें नया रोल प्ले करना होगा। सही सामान चुने। एल्सा डक, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और तड़ा, बेट्सी को नया टॉय मिल गया। येलो फैब्रिक से कुछ टुकड़े बनाए। नीडल और थ्रेड से काम करना शुरू करें। किगुरुमी को हुड की जरूरत है। कट के लिए रिबन लगाएं। ऊपर बीक लगाएं। सर पर क्रेस्ट लगाएं। सुंदर किगुरुमी। ओह, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। हम उन्हें शांत कैसे करें? हम इनका क्या करें? और हम ये अकेले नहीं कर पाएंगे। वहां से बेट्सी जा रही थी। बच्चों ने उसका कलरफुल आउटफिट देखा। वाओ, क्या ये डक है? क्या मैं इसकी बीक छू सकती हूँ? ही ही, बिल्कुल, हम साथ में खेलें। हमारे साथ डक है। हाँ, शोर मत करना, सर्कल में बैठ जाओ। अब मैं एक फेरी टेल सुनाऊंगी। क्या ये बच्चे सच में सुनना चाहते हैं? कितनी अच्छी बात है। बेट्सी ने अपना नया रोल बहुत अच्छे से किया। सबको बहुत मजा आया। पुराने वॉलेट को स्टाइलिश बैकपैक में बदले। पूरी चीज को येलो पेंट करें। कॉर्ड से सजाएं। प्यारी आंखें बनाएं। हम इस बीक को पहचान गए। स्ट्रैप्स लगाएं। उसके गाल लाल हो रहे हैं। ट्रेंडी एक्सेसरी तैयार है। बेट्सी ने स्कूल टीचर की तरह काम करना शुरू किया है। उसका स्ट्रिक्ट आउटफिट एक बढ़िया एक्सेसरी से पूरा हुआ है, एक डक बैकपैक से। ओए, ये बहुत ब्राइट और प्यारा है। मुझे पता है ये। और अब सभी लोग बैठ जाओ और अपने टेक्स्ट बुक खोलो। ठीक है मिस बेट्सी, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। बोर्ड पर देखो। लेकिन बच्चों ने बैकपैक लिया और उससे खेलने लग गए।
ओह, मेरी डक कहाँ गई? ये हमारे साथ पढ़ रही है मिस बेट्सी, गुस्सा मत करना। ये प्यारा है। प्लास्टिक कंटेनर को हेलमेट में बदले, हाईलाइट करके और येलो पेंट करें। बीक के लिए हमें ऑरेंज फोम पेपर की जरूरत है। इन ग्लासेस से डक बहुत प्यारी लग रही है। क्लैस्प से रिबन पर हेलमेट लगाएं। सिक्योरिटी पर ध्यान रखना किसी को अच्छा नहीं लगता। बेट्सी हैट शॉप में गई। हम क्या लें? ओए, येलो मेरा मनपसंद कलर है और इसकी डक वाली शेप है। मिस, आपको पता होना चाहिए कि ये कोई आम हेलमेट नहीं है, प्लीज इसे पहनो। ये लो, मैंने तुम्हें बोला था, बहुत बढ़िया है। शीशे में देखो, मैं कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये चाहिए। कोई बात नहीं, बाय। अब हमारी हीरोइन लाली टाउन की स्ट्रीट्स पर ड्राइव कर सकती है।